हाय गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ANA टेस्ट के बारे में। ANA का मतलब होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, एंटीबॉडी मतलब क्या, तो जब भी हमारे शरीर में वायरस है, बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन के लिए अटैक करते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा शरीर जो प्रोटीन बनाता है उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं एंटीजन। यहाँ पे ANA टेस्ट है वो ऑटोइम्यून बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट होता है। मतलब कि ऑटोइम्यून बीमारी मतलब क्या, आगे बोला कि वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, ऐसा प्रोटीन बनता है जो कि उनके खिलाफ लड़ता है। तो ऐसे प्रोटीन मतलब कि एंटीबॉडी है वो जब हमारी खुद की हेल्दी टिश्यूज है, नॉर्मल टिश्यूज है, उनके ऊपर अटैक करके उनको डैमेज करता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं ऑटोइम्यून बीमारी। ऑटोइम्यून बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ANA टेस्ट आता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट आता है। उसके अलावा देखें तो और भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ANA टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इतना पता चलता है कि यहाँ पे ऑटोइम्यून बीमारी है, लेकिन कौन सी है ये पता नहीं चलता। उसके लिए आपको ANA टेस्ट का पॉजिटिव होना और जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, जो लक्षण दिख रहे हैं आपको, उसको यहाँ पे कोरिलेट करने रहते हैं। यहाँ पे ANA जो टेस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंटीजन, जो यहाँ पे हम बात करें तो एंटीजन मतलब कि वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं, जबकि यहाँ पे नॉर्मली क्या रहेंगे कि हमारी जो टिश्यूज़ है वो एंटीजन कहलाएगी। इसमें देखें तो जो ANA स्पेसिफिक होता है, जिसमें देखें तो जो एंटीजन है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो जो एंटी RNA पॉलीमरेज होता है, तो उसमें देखें तो यहाँ पे उसकी भी अलग बीमारी रहती है। उसके अलावा देखें तो कोई और एंटीजन है, जैसे कि एंटी DSDNA जो आता है, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA, जो कि यहाँ पे डायग्नोज करने के लिए, जो ल्यूपस होता है उसको डायग्नोज करने के लिए करवाते हैं। उसके अलावा देखें तो और भी एंटीजन रहते हैं, जैसे कि SCL70 जो होता है, जो कि यहाँ पे ये सिस्टेमिक जो स्क्लेरोसिस होता है उसके लिए ये एंटीजन होता है। यहाँ पे जो ANA टेस्ट होता है वो एंटी न्यूक्लियर मतलब कि वो जो कोश है उसका जो केंद्र बिंदु होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर अटैक करने वाली एंटीबॉडी रहती है। जबकि यहाँ पे ANCA टेस्ट भी आता है, जो कि यहाँ पे एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, मतलब कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि जो यहाँ पे कोश होता है उसके भीतर का जो प्रवाही रहता है, गट प्रवाही रहता है, उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनका टेस्ट आता है, ANCA टेस्ट, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी टेस्ट आता है। उसके भी दो प्रकार रहते हैं, जिसमें देखें तो एनका पी आता है और एनका सी आता है, मतलब कि एनका पेरीन्यूक्लियर और एनका साइटोप्लाज्मिक। एनका जो टेस्ट है वो वास्कुलाइटिस की कंडीशन ही रहती है, मतलब कि यहाँ पे खून की नलियों की सूजन की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए एनका टेस्ट आता है। ANA जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरोसेंस जो मेथड होती है उससे किया जाता है। ANA जो टेस्ट होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें देखे तो स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक ये जो टेस्ट है, तो उनसे कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है। तो इसमें देखे तो जो ऑटोइम्यून बीमारी रहती है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथोमेटोसस की कंडीशन रहती है, जो कि एक इंफ्लामेटरी कंडीशन है, यहाँ पे सूजन वाली कंडीशन है, ये हमारे जो जोड़ है, देन चमड़ी है, किडनी है, खून की कणिकाएं रहती है, दिमाग है, हार्ट है, लंग्स है, इन सबको इन्वॉल्व करने वाली एक मल्टी सिस्टेमिक इलनेस है, जिसमें देखे तो यहाँ पे ऐसे रैसेस देखने को मिलते हैं। दूसरी बीमारी रहती है यहाँ पे जॉगरेन सिंड्रोम। तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे खुद की जो हेल्दी टिश्यूज है उनके ऊपर अटैक करती है, और उसकी वजह से यहाँ पे ड्राई आई और ड्राई माउथ देखने को मिलता है। दूसरी बीमारी रहती है यहाँ पे पॉलीमायोसाइटिस। अभी मायो मतलब कि मसल, मांसपेशी, तो यहाँ पे जो मांसपेशियां रहती है उनकी सूजन की कंडीशन रहती है। दूसरी बीमारी है यहाँ पे देखे तो डर्मेटोमायोसाइटिस। अभी डर्मा मतलब की चमड़ी और मायो मतलब की मसल और आइटिस मतलब की सूजन, तो यहाँ पे चमड़ी और मसल मांसपेशियों की सूजन देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि यहाँ पे जोड़ों की बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली यहाँ पे हमारी जो हेल्दी टिश्यूज़ होती है जोड़ों की, उनके ऊपर अटैक करती है, और उसकी वजह से यहाँ पे सूजन देखने को मिलती है जोड़ों की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पे बात करें तो स्क्लेरोडर्मा, जिसको क्रेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे कैल्सिनोसिस मतलब कि कैल्शियम है वो चमड़ी के अंदर डिपॉजिट होता है। आगे यहाँ पे बात करें तो रेनॉइड फिनोमिनोन
देखने को मिलता है। हमने आगे इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि क्या होता है रेनॉट फिनोमिनन, तो उसको भी आप देख सकते हो। आगे यहाँ पे बात करें तो जो इसोफेजियल डिसफंक्शन मतलब कि यहाँ पे एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन देखने को मिलती है, जो खाना है वो अन्न नड़ी के ऊपर आता है, ऐसे ऊपर की ओर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिटेशन होता है, ऐसे एसिडिटी होता है। बात करें तो स्क्लेरोडेक्टाइली मतलब कि यहाँ पे थिकनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फिंगर एंड हैंड, हाथ और उंगलियों की जो चमड़ी है वो ऐसे टाइट हो जाती है। आगे यहाँ पे क्रेस्ट सिंड्रोम की कंडीशन में रहता है टेलेंजेक्टेसिस मतलब कि डायलेशन ऑफ द कैपिलरी, खून की नलिया है उनका डायलेशन हो जाना और उसकी वजह से ऐसे रेड मार्क देखने को मिलता है चमड़ी के ऊपर। तो ये होता है क्रेस्ट सिंड्रोम या फिर स्क्लेरोडर्मा। अभी स्क्लेरो मतलब कि यहाँ पे हार्डनिंग होना, उसका टाइटनिंग होना, डर्मा मतलब कि चमड़ी, मतलब कि यहाँ पे चमड़ी का टाइटनिंग होना, तो ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है। यहाँ पे और भी ऑटोइम्यून बीमारी रह सकती है। अब बात करते हैं कि आप ANA टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। तो इसमें पहला आता है यहाँ पे डाइल्यूशन। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिमेन, यहाँ पे लिखा है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA और नीचे लिखा है स्पेसिमेन जिसमें लिखा है सीरम, मतलब कि ANA टेस्ट है इसमें सीरम का यूज़ होता है। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है मेथड जिसमें इनफ्लोरेसेंस, जिसमें लिखा है यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस, मतलब इस मेथड से जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट हुआ है। आगे यहाँ पे बात करें तो इसमें देखना रहता है डाइल्यूशन पैटर्न इंटेंसिटी इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आगे लिखा है सस्पेक्टेड एंटीजन स्पेसिफिसिटी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें पहला आता है डाइल्यूशन। तो यहाँ पे अलग अलग डाइल्यूशन रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 180। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो तो यहाँ पे मान लो जो एंटीबॉडी टाइटर होता है, मतलब कि ये जो होता है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी टाइटर, तो यहाँ पे है 1 और 200 है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें एक पार्ट है वो खून का सैंपल है और 200 पार्ट यहाँ पे डाइल्यूटन सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, मतलब कि सलाइन ऐड किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे देखो जो सीरम लेते हैं और उसमें ऐसे जो डाइल्यूटन सब्सटेंस होता है मतलब कि सलाइन है, तो उसको डालते जाते हैं कब तक, जब तक यहाँ पे जो एंटीबॉडी मिलना बंद हो जाए, उस सैंपल से एंटीबॉडी मिलना बंद किस पार्ट पे हुआ है, कितना ऐड करने के बाद हुआ है, तो ये होता है एंटीबॉडी टाइटर। दूसरा यहाँ पे ANA टेस्ट की रिपोर्ट में ANA पैटर्न को देखना रहता है, मतलब कि कौन सी पैटर्न है, उस हिसाब से कौन से रोग हो सकते हैं यहाँ पे, जिसमें देखें तो इस रिपोर्ट में लिखा है न्यूक्लियर पैटर्न। इसके अलावा और भी पैटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो पे ANA पैटर्न क्या होता है। तो ANA पैटर्न मतलब कि जो यहाँ पे जो कोष होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो फ्लोरोसेंट हम डालते हैं तो उसका कैसा पैटर्न है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे ANA पैटर्न। जिसमें देखें तो वो ऐसे कोष है उसके आसपास ऐसे हो सकता है, तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल पैटर्न। आगे यहाँ पे बात करें तो ऐसे डॉट्स जैसा देखने को मिलता है हमें कोषों के ऊपर, जो न्यूक्लियस है जो केंद्र बिंदु है कोष का उसके ऊपर, तो ऐसे स्पिकलेट ऐसे देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे स्पिकलेट पैटर्न। आगे यहाँ पे बात करें तो अगर वो ऐसे पूरा उसके ऊपर ऐसे कवरिंग हो जाता है तो उसको बोलेंगे होमोजीनस पैटर्न। तो उस हिसाब से इसमें देखें तो कौन सा एंटीजन है और कौन सा बीमारी है वो भी डिटेक्ट हो जाता है। आगे यहाँ पे होता है सस्पेक्टेड एंटीजन स्पेसिफिसिटी, मतलब कि कौन सा स्पेसिफिक यहाँ पे एंटीजन होता है वो यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, जैसे कि SCL17 होता है तो वो यहाँ पे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, मतलब कि स्क्लेरोडर्मा की कंडीशन होती है। हमने आगे बोला क्रेस्ट सिंड्रोम होता है तो उनके लिए होता है। आगे यहाँ पे बात करें तो जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी में RNA पॉलीमरेज यहाँ पे लिखा है 1, तो वो यहाँ पे होता है PM की कंडीशन में, मतलब कि पॉलीमायोसाइटिस की कंडीशन में ये होता है। आगे जो DS DNA टेस्ट होता है, मतलब कि ये जो एंटीजन होता है वो SLE की कंडीशन में होता है। हमने आगे बोला DS DNA टेस्ट आता है तो वो भी यहाँ पे ल्यूपस को डिटेक्ट करने के लिए होता है, एंटीजन होता है उसको भी देखा जाता है, और लास्ट में यहाँ पे रहता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो कौन सा एंटीजन होता है उस हिसाब से यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, आगे लिखा है यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस पॉलीमायोसाइटिस। यहाँ पे इंटेंसिटी जो रहती है उनको भी देखा जाता है, जितना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी रहता है उतना ही जो हमारा जो रिपोर्ट होता है ANA का वो सिग्निफिकेंट होता है।